वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं डी फार्मेसी डिप्लोमा इन द फार्मेसी के एडमिशन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डिप्लोमा इन फार्मेसी के एडमिशन के रिलेटेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर DT महाराष्ट्र सर्च करने के बाद आपको जाना है पोस्ट HSC डिप्लोमा एडमिशन 2021। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जैसे कि आज जो है वो 19 सितंबर 2021 है और आज लगने वाली है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर लगेंगी बच्चों की वेबसाइट पे। और फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, तो स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन बताता जाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपने लिख लेने हैं। तो सबसे पहले जब भी डिस्प्ले होगी फाइनल मेरिट लिस्ट आज के तारीख में, किसी भी टाइम पे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो या फिर 6 बजे हो, आई थिंक यह 6 बजे ही होंगे शाम को, फिर भी आप अपडेटेड रहिएगा। जब भी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी तब मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा ही। तो देखिए, जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है, फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है वो अगले दिन मतलब कल आपको क्या है, कैप राउंड फर्स्ट के लिए कैटेगरी वाइज आपको सीट मैट्रिक्स बताया जाएगा। कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स बताया जाएगा मतलब उसमें आपको बताया जाएगा कि OBC कैंडिडेट के लिए इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, उस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। तो इस हिसाब से आपका एक डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज जो है वो क्या सीट मैट्रिक्स आपका पब्लिश किया जाएगा कैप राउंड फर्स्ट के लिए। और उसके बाद आपको 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच क्या करना है, आपको जो है ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है। अब आप पूछेंगे ऑप्शन फॉर्म क्या होता है सर, तो ऑप्शन फॉर्म यह रहता है कि उसमें आपको कॉलेज फिल करने रहते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो मेरी अगर सलाह मानोगे तो आपको सबसे पहले जो है वह सबसे पहला कॉलेज फिल करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिल करते रहिएगा, 8 से 10 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है सबसे पहले वह फिल कीजिएगा। उसके बाद जो भी प्राइवेट कॉलेजों में सबसे अच्छा कॉलेज है वह फिल कीजिएगा। तो इस हिसाब से आपको जो है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे आके जो है यहाँ पर आपको बताया जा रहा होगा कट ऑफ लिस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर, कुछ प्रीवियस ईयर के जो है वो कट ऑफ्स है। तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं कैप राउंड फर्स्ट के लिए जो है 2017-18 का क्या कट ऑफ है, 2018-19 का क्या कट ऑफ है, 19-20 का क्या कट ऑफ है और 20-21 का क्या कट ऑफ है। तो इस तरीके से आप जो है वो कट ऑफ चेक कर सकते हैं। कट ऑफ चेक करने के बाद आपका जो डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट नंबर यह है। तो आपको आपने जो भी यहाँ से कट ऑफ डाउनलोड किए होंगे, सपोज़ 20-21 का डाउनलोड कर लेते हैं और किसी बच्चों का जो है वह क्या मेरिट नंबर रहता है, मेरिट नंबर उसका अगर 1000 रहता है तो 1000 रहता है और उसकी कैटेगरी जो है वह आती है SC या फिर जो है वो OBC में आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक OBC का अगर मेल कैंडिडेट है तो 358 नंबर पे जो है उसका नंबर लग जाएगा। अगर वही SC कैटेगरी का बच्चा है तो SC कैटेगरी का 828 पे लग जाएगा। तो यह क्या रहते हैं, इनके मेरिट नंबर रहते हैं। और जो भी आपको आज पता चलेगा 19 सितंबर 2021 को फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उससे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है गवर्नमेंट कॉलेजों का कट ऑफ रहता है। तो यह देखिए यहाँ पर गीता देवी खंडेलवाल है जो कि अकोला का कॉलेज है, GOBC 909 पे जो है पहला कट ऑफ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जिनका TFWS से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, ऑर्फॉन्स के लिए भी जो है, ऑर्फॉन्स के लिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, EWS वालों के लिए भी कम रहता है, PHROC
बीसी के लिए भी कम रहता है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज रहती है, आपकी कैटेगरी क्या है उस हिसाब से जो है आप कट ऑफ देख सकते हैं, और इसमें से जो है टॉप कॉलेज आपको सिलेक्ट करने रहते हैं। और जब आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो ऑप्शन फॉर्म फिलअप करते समय आपको जो है यहाँ पर जो यहाँ पर साइट को सपोज़ अगर गीता देवी खंडेलवाल लेते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज अकोला, तो यहाँ पर 1014 लिखा हुआ है, तो यह कोड डालने के बाद आपको गीता देवी खंडेलवाल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने, उसके बाद जो आपको सेमी गवर्नमेंट लगते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कॉलेज वह फिल करने, और आपको जो कॉलेज चाहिए वो सबसे पहले फिल करने। टॉप जो भी आप कॉलेज फिल करोगे, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ कुछ बच्चे 10 या 12 ही कॉलेज फिल करते हैं। मैं कहूँगा कि आप मैक्सिमम 50 के ऊपर ही कॉलेज फिल कीजिएगा, जो कि अच्छे से अच्छे कॉलेज रहेंगे। तो आपने जो है वो निकाल लेने हैं, बेस्ट कॉलेज कौन से रहेंगे उस पर एक मैं स्पेशली वीडियो कंडक्ट करूँगा। आई होप यह वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड।